नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार द्वारा एक बड़ी खुशखबरी दी गई है। तो जी हां दोस्तों, कोरोना काल में तत्काल मिलेगा पेंशन से जुड़ा हुआ लाभ। तो जी हां दोस्तों, रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार की तरफ से बड़ी राहत दी गई है, तो उसी के संदर्भ में ये अपडेट है। तो उसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि ये जो बड़ी खुशखबरी कोरोना काल में तत्काल पेंशन से जुड़ा हुआ लाभ मिलने के संदर्भ में आई है, तो इसकी जानकारी आप सभी को मिल सके। और अगर आप भी रिटायर्ड होने वाले हैं तो आप किस तरह से यह जो पेंशन से जुड़ा हुआ लाभ है तो इसका फायदा जो है वो तत्काल ले सकते हैं, तो उसके बारे में आप सभी को पता चल सके। और इसी तरह की अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे जुड़े हुए जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने जो बड़ी राहत दी है जिसके तहत कोरोना काल में तत्काल मिलेगा पेंशन से जुड़ा हुआ लाभ। तो जी हां दोस्तों, यहां पर ये जो बड़ी अपडेट निकल कर आई है तो उसी के बारे में अभी हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले। तो जी हां दोस्तों, देश में रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। भारत में अप्रत्याशित तरीके से फैले कोविड-19 महामारी की वजह से भले ही रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों की पेंशन प्रक्रिया शुरू होने में देरी हो रही है, लेकिन इस कोरोना काल में उन्हें जल्द ही सेवानिवृत्ति का आंशिक लाभ मिलने जा रहा है। बीते 17 जुलाई 2020 को कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीनस्थ पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से इस कोरोना काल में CCS अधिनियम 1972 के नियम 64 के तहत रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों को आंशिक लाभ देने को लेकर एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। विभाग की ओर से जारी ज्ञापन में इस बात का जिक्र किया गया है कि एक सरकारी कर्मचारी को अपने पेंशन फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 3 आदि को अपने कार्यालय प्रमुख यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जमा करने में कठिनाई हो सकती है, या कार्यालय प्रमुख पेंशन से संबंधित वेतन और लेखा कार्यालय को समय पर सेवा पुस्तिका की हार्ड कॉपी में दावा प्रपत्र को अग्रेसित करने में असमर्थ हो सकता है, खासकर तब जब दोनों कार्यालय अलग अलग शहरों में हो, या फिर ऐसे मामले भी हो सकते हैं जहां वेतन और लेखा कार्यालय सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले पेंशन के प्राधिकरण के मामले के संसाधित करने में समक्ष नहीं है। ज्ञापन में इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि जहां तक नियम 64 के प्रावधानों में परिवर्तन की बात है तो कोविड-19 के प्रकोप की वजह से कार्यालयों में काम प्रभावित होने तक लागू रहेंगे। सामान्य स्थिति बहाल होने के बाद विभाग द्वारा निर्देशों की समीक्षा की जाएगी। CCS पेंशन नियम 1972 के नियम 64 के प्रावधान तब तक के लिए प्रभावी नहीं रहेंगे। CCS पेंशन अधिनियम 1972 के नियम 64 में उन मामलों में अनंतिम पेंशन और अनंतिम ग्रेच्युटी को मंजूरी देने का प्रावधान है। जब एक सरकारी कर्मचारी अपनी पेंशन और ग्रेच्युटी को अंतिम रूप देने से पहले रिटायर हो जाता है, यह आदेश इस बात को भी सुनिश्चित करता है कि पेंशन लाभ निर्धारित होने के बाद सरकारी कर्मचारी के रिटायर होने के बाद उसे समय पर पेंशन और रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ देने के लिए कार्यालय प्रमुख कार्यालय में मौजूद रिकॉर्ड के आधार पर आंशिक पेंशन और आंशिक ग्रेच्युटी का लाभ देने की मंजूरी देने की कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आंशिक पेंशन और ग्रेच्युटी को उन परिस्थितियों में भी मंजूरी दी जा सकती है जब रिटायर्ड होने वाला सरकारी कर्मचारी किसी भी वजह से अपना पेंशन दावा फॉर्म जमा करने में समक्ष नहीं है। ऐसे मामलों में जब कर्मचारी के सेवाकाल को सत्यापित करना संभव नहीं है तो रिटायरमेंट की तारीख के पहले उसके द्वारा दी गई सेवा को आगे बढ़ाते हुए आंशिक ग्रेच्युटी को मंजूरी दी जा सकती है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि वेतन और लेखा कार्यालय कार्यालय प्रमुख द्वारा अग्रसरित अंतिम परिलिपियों और अर्हकारी सेवा काल के विवरण के आधार पर मामले पर विचार कर आंशिक पेंशन और आंशिक ग्रेजुटी को उसी तरह से जारी चाहिए जैसे कि स्थापना के समय वेतन और भत्ते का भुगतान किया जाता रहा है। वेतन और लेखा कार्यालय आंशिक पेंशन और ग्रेजुटी की जारी करने की स्थिति में सेवा पुस्तिका सहित मामले के पूर्ण दस्तावेज के लिए कार्यालय प्रमुख पर जोर नहीं डालेगा। इतना ही नहीं, ऐसे मामलों में जहां आंशिक पेंशन की राशि बाद में अंतिम पेंशन की राशि से अधिक पाई जाती है तो पेंशन की अतिरिक्त राशि को CCS पेंशन अधिनियम 1972 नियम 64 में बताए गए तरीके से समायोजित किया जा सकता है। स्वीकृत आंशिक पेंशन का भुगतान शुरू में सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए जारी किया जा सकता है। PAO की सहमति और विभाग प्रमुख द्वारा अनुमोदन के बाद अनंतिम मामलों में आंशिक पेंशन की अवधि आगे बढ़ाई जा सकती है। हालांकि आंशिक पेंशन की कुल अवधि किसी भी स्थिति में सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 साल से अधिक के लिए नहीं होगी। तो जी हां दोस्तों, यहां पर रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए ये जो बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है तो उसी के बारे में जो है अभी हमने इस वीडियो में जानकारी दी, जिसके तहत उन्हें जो है अभी पेंशन का लाभ जो है वो अगर उनके द्वारा पेंशन का फॉर्म भरने में दिक्कत हो रही है तो उसके बाद भी जो है वो उनको मिलेगा। तो जी हां दोस्तों, यहां पर साथ में जो सरकारी कर्मचारी है तो उनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो सेवा पुस्तक की हार्ड कॉपी दी जाती है तो उसमें अगर विलंब हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी जो है वो सरकारी कर्मचारियों को रिटायर्ड होने के बाद जो है वो पेंशन का लाभ जो है वो मिलेगा। तो जी हां दोस्तों, यहां पर ये जो बड़ी खुशखबरी रिटायर्ड होने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन का लाभ मिलने के संदर्भ में निकल कर आई थी तो उसी के बारे में अभी मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी। इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि भविष्य में आपसे जुड़े हुए जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।